यस सर डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th साइंस फ्लेमिंगो यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2। आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। यहाँ पे ऑथर जो है उसे उसकी मुलाकात होती है मुकेश नाम के लड़के से, ओके। और वो यहाँ पे बताता है कि वो खुद का मालिक बनेगा, ऑन मास्टर। वो साहेब की तरह नहीं, वो खुद का मास्टर बनेगा, ओके। और वो मोटर मैकेनिक बनेगा, ऐसा वो अनाउंस करते उसके साथ बातचीत करते हुए। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. तो author पूछते हैं कि क्या कार के बारे में आप कुछ जानते हो? तो I यानी author तो बोले मैं नहीं सीख लूँगा अपने हिसाब से, वो आंसर देता है और स्ट्रेट आँखों में देख के, यानी चमक है उसकी आँखों में, उसके जो स्वप्न हैं वो स्वप्न को साकार करने में, जैसे मिराज होता है दूर से, अगर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि डिज़र्ट के अंदर भी कहीं पे पानी दिखता है आपको, तो इल्यूज़न ऑफ एन एटमॉस्फेयर दैट यू कैन सी द वाटर इन अ डिज़र्ट एरिया, दैट इज़ कॉल्ड अ मिराज। तो ऐसे आँखों में चमक के साथ वो बोलता है। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है दैट फिरोज़ाबाद की हम बात करें तो फिरोज़ाबाद की जितनी गलियाँ हैं, जितने रास्ते हैं, वहाँ पे ये फिरोज़ाबाद जो है वो बैंगल्स के लिए, जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं जो बैंगल्स पहनती है, उसके लिए फेमस है फिरोज़ाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent a generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. पत्थर बताते हैं यहाँ पे फिरोज़ाबाद जो एक है वो सेंटर पॉइंट है इंडिया का, जहाँ के कांच की चूड़ियाँ बनती है, प्लास्टिक की बनती है, यहाँ पे ये पूरा उद्योग है यहाँ पे बैंगल्स बनाने का, चमकीले बैंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगल्स, ग्लासेस, प्लास्टिक्स, हर एक फैमिली जो है यहाँ पे ये, और उसकी जो जनरेशन है यहाँ पे, ओके, वो पूरी खर्च हो जाती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग यही काम करते हैं, भट्टी के सामने, गर्म भट्टी के सामने बैठना और उसके आसपास बैठ के वर्किंग करना, यानी बैंगल्स में वेल्डिंग करना हो, ग्लास वेल्डिंग करना हो, ओके, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमन। तो ये प्लास्टिक हो या कांच हो, कि जहाँ पे भी कुछ न कुछ करना रहता है भट्टी के सामने, गर्म भट्टी के सामने, और महिलाओं के लिए, ओके, ये पूरा दिखता है फिरोज़ाबाद जहाँ पे बैंगल्स बनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंसिस विद द हाई टेम्परेचर। अब मुकेश की जो फैमिली है वो तो बता दें कि वो भी वहाँ पे रहती है फिरोज़ाबाद में स्ट्रीट में, और किसी को पता नहीं है कि ये इलीगल है, बच्चों के लिए काम नहीं करते ये ग्लास फर्नांस भट्टी के सामने, ये बैंगल्स बनाना, ये ऊंचे तापमान में बैंगल्स बनाना बच्चों के लिए काम नहीं है, ये इलीगल है, उसको पता नहीं है। इन डेंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेंसिस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। यहाँ पे ऑथर बताते हमें कि जो हाई टेम्परेचर के सामने बैठना, एक
छोटे से रूम के अंदर, जहाँ पे डल रूम जैसे डिंजी बोलेंगे, डल रूम के अंदर छोटे से रूम में बैठना विदाउट, अंदर हवा भी नहीं आती कहीं बाहर से, ओके, प्रकाश जो होता है लाइट भी नहीं आती, तो ये जो लो के अंदर, ये जो लो यानी यहाँ पे ये बैंगल्स बनाने का इन लोगों का जो ये तरीका है, जो कायदा है, ओके, समाज का फिरोज़ाबाद के अंदर, तो किस परिस्थिति में ये लोग काम करते हैं, अगर एनफोर्स किया जाए, ओके, तो एनफोर्स से ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे करीबन 20,000 चिल्ड्रन है जो भट्टियों के सामने, गर्म भट्टियों के सामने, ओके, ताप के सामने, गर्मी के सामने वो लोग बैठते हैं, काम करते हैं। स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, वो सुबह का जो आवर्स का जो डे लाइट होता है, ओके, वो भी इन लोगों को नसीब नहीं होता, वहाँ पे भी वो लोग ऐसे बस काम करते रहते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की जो तेजस्विता होती है वो भी वो लोग यहाँ पे खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज द वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, इसमें मुकेश की जो आंखें हैं वो यहाँ पे एक बीम है एज द वॉलंटियर्स, बीम यानी डियर्स, तो जो बीम है यानी साइनिंग वाली उसकी आंखें हैं वो एज अ वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाता है मुकेश, विच इज़ प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और गर्व से बोलते हैं कि हम लोगों ने फिर से ये बनवाया है ये घर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लाइन्स चक विथ गार्बेज, हम ऐसे दुर्गंध वाली जो लाइन से चलते हुए जहाँ पे पूरा कचरा और पानी वो चौकअप हो गया है, निकलने की कोई जगह नहीं, वहाँ से हम लोग गए। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, हम लोग वहाँ से घर के नज़दीक से, ओके, हम लोगों ने देखा तो पूरी जो झोपड़ी थी यहाँ पे पूरी लाइन के अंदर, होवेल्स यानी कॉटेजेस, जो क्रम्बलिंग वॉल्स यानी समझ लो कि गिरी हुई दीवार जो होती है, जर्जरित दीवार जो होती है, जिसमें कोई उसको बोलते हैं ब्रेकिंग इनटू पीसीस, ऐसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो ऐसी दीवार हम लोगों ने, ऐसी झोपड़ी वाली जगह हम लोगों ने देखी। वुबली डोर्स, ओके, वुबली यानी मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे हवा के झोंके के साथ इधर उधर घूम जाना, वुबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, जैसे इंसान और जो एनिमल्स थे वो साथ में वहाँ पे रह रहे थे। इन प्रीमीवल स्टेट डियर स्टूडेंट्स, प्रीमीवल स्टेट यानी अति प्राचीन, जिसको बोले एशियंट, ऐसा पूरा लग रहा था माहौल यहाँ पे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, इन वन पार्ट ऑफ इट थैचेड विथ डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, डेड ग्रास इज अ फायर स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स। तो यहाँ पे इतना हम देखते हैं पहले, तो ऑथर बताते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग पहुँचे और उसने जो है मुकेश ने लात मारकर दरवाज़ा जो है वो बैंक्स वुबली आयरन डोर विथ हिज फुट, तो पैरों से धक्का मार के ये जो मूविंग साइड टू साइड वाला जो दरवाज़ा था वो खोल दिया, धक्का लगा दिया, ओपन कर दिया, ओके, और हम लोग आधे जो बना हुआ जो ये रफ हर्ट था जिसको हम सैक बोलेंगे, ओके, तो उसके अंदर हम गए और देखा तो हम लोगों ने कि पूरा जो है जो ये कवर्ड विथ स्ट्रो जिसको हम बोलेंगे, थैचेड विथ डेड ग्रास, जो जो घास होती है वहाँ से बना हुआ पूरा ये झोपड़ी जो उसका मकान था, इस अ फायरवुड स्टव ओवर विच, और एक स्टव था उसके ऊपर एक वेसल रखा हुआ था, लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, तो वहाँ पे ये जो है
ये अनाज आवाज़ करता हुआ, सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, जो स्पिनाच लीव्स थे वहाँ पे थोड़े ये आवाज़ कर रहे थे जैसे छन छन, ओके, तो ये हो रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh, elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men. In three men, author batate hain, her husband Mukesh and their father. To teen logon ki responsibility thi uske upar. When the older man enters, jo uske pitaji aate yani father in law, she gently withdraws behind the broken wall and brings her वेल क्लोजर, यानी स्कार्फ यानी घूंघट ओढ़ लेती वो, क्लोजर टू हर फेस, अपना चेहरा ढांक देती, एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि उन लोगों की परंपरा थी कि यहाँ पे एल्डर्स के सामने औरतें नहीं जाती, चेहरा नहीं दिखाती। डॉटर्स इन लो मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस लो मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस ये रिपीट हुआ है डियर स्टूडेंट्स, द एल्डर इज एन इम्पोर्सिड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू school, all he has managed to do is teach them what he knows, means the art of making bangles. तो यहाँ पे जो फादर है मैन वो बताते हैं कि लड़कों को कुछ नहीं सिखा पाया, स्कूल नहीं भेज पाया, जो मैंने दिया है वो एक ही बात दी है कि आप भी, मैंने भी पूरी लाइफ इसमें निकाल दी, तो आप भी अब ये कला सीख लो और ये भी मेरे साथ मेकिंग बैंगल्स के अंदर जुड़ चुके हैं। तो बहू है अके और तीन लोग हैं, मुकेश के जो बड़ा भाई है, उसकी वाइफ और मुकेश और उसके जो है मुकेश के फादर, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा घर संभालती हुई, साथ में काम करती हुई, ओके, ये यहाँ पे एक डॉटर इन लॉ है घर के अंदर, और जिसे हम बोलेंगे इंचार्ज ऑफ थ्री मैन, ओके, तो ये और सामने भी नहीं आती, एक परंपरा है, कस्टम है, रीति रिवाज है, ओके, और सामने ये एल्डर जो है, जो वडील है, वो बैंगल बनाने का काम जो है, ओके, ये करते हैं, जिसको हम इम पुअर इस यानी मेड पुअर, पुअर तो है और ज़्यादा पुअर बनने की बात कर रहे हैं बैंगल मेकर होकर। तो डिस्पाइट लॉन्ग, बहुत परेशानियाँ होते हुए भी वो लोग फेल हो चुके हैं, यानी उसके जो फादर है वो बोले मैं फेल हो चुका, बहुत मेहनत की परंतु कुछ लगा नहीं, ये बैंगल जो मेकिंग में से बाहर नहीं निकल पाए, और ये बस इतना जो हम जो घर करना चाहते हैं रिनोवेट, उसमें भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए, मैं कुछ ये बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया, कुछ नया सिखा भी नहीं पाया, और बस ये लोग भी मेरे साथ जुड़ गए हैं मेकिंग बैंगल्स में। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखते हैं, फिर न्यू वीडियो में देखेंगे अपने।